कंपटीशन कम्युनिटी के मंच पर आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे होंगे, हम लोग लेकर के आ रहे हैं आपके लिए संग्राम सीरीज के तहत लगातार एक पर एक वीडियोज। आज हम लोग चर्चा करेंगे पेपर 7 पार्ट 3 के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 में आया था, 2020 में आया था, 2020 में आया था, 2022 में पेपर में पूछे गए हैं और लगातार इस पर से सवाल आ रहे हैं। इस वर्ष भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में पिछले साल अगस्त के आसपास ये घोषणा की गई थी कि न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क की स्थापना की जाएगी, बनाई जाएगी। मतलब कि जैसे कोई पॉलिसी 2020 में आया है तो उसको रेगुलेट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होगी, फ्रेमवर्क की आवश्यकता होगी। तो वो फ्रेमवर्क क्या होगा? सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में और उसके बाद चर्चा करेंगे NCF और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्या होता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स भी इस पेपर पार्ट में, इस पार्ट में आपको पढ़ने हैं, तो इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस की बात करेंगे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि चूंकि हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी था वो बहुत पुराना था, 1986 के बाद इसको रिवाइव नहीं किया गया था, 1986 में आखिरी बार एजुकेशन पॉलिसी आया था। तो जान रहे हैं कि लगातार दुनिया बदल रही है, ग्लोबलाइजेशन का एरा है, टेक्नोलॉजी डे बाय डे डेवलप हो रहे हैं। सो देयर वाज ऑलवेज ए नीड कि एक नया एजुकेशन पॉलिसी लाया जाए जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड के साथ मैच करे, ग्लोबल वर्ल्ड के साथ मैच करे। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 2020 में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नई शिक्षा नीति को लाने का नया निर्णय लिया गया। इसके तहत कई सारी चीजें स्टार्टेड की गई, जैसे कि बच्चों को बहुत कम उम्र से वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब यह है कि व्यवहारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। बहुत कम उम्र से के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दिया जाएगा। अल्टीमेट पर्पस क्या है? अल्टीमेट पर्पस है कि बच्चों के अंदर स्किल डेवलप करना। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं भारत इस समय एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां पर भारत की एक बड़ी आबादी, लगभग 62% आबादी इस समय श्रम बल के अधीन आता है। कल हम लोगों ने श्रम बल की चर्चा की थी। श्रम बल का मतलब कि 15 से 64 साल के उम्र वर्ग, आयु वर्ग के लोग। तो भारत की लगभग 62% आबादी 15 से 64 साल की है, अर्थात हम इस समय जनसांख्यिकीय लाभांश या जनानकी लाभ लेने के डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में खड़े हैं। तो इसको देखते हुए भारत सरकार का निर्णय है कि नए एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को शुरुआत के क्लासेस से ही स्किल डेवलपमेंट के तहत और ग्लोबल रिक्वायरमेंट के तहत, मार्केट की डिमांड के तहत उस तरह से उनको पढ़ाया जाए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन तमाम चीजों की व्यवस्था की गई। दूसरी बात, बच्चों का स्कूल में एनरोलमेंट को लेकर के चिंता थी कि बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, जा रहे हैं तो उनके साथ पढ़ाई का जो वातावरण है उस वातावरण के साथ एकोमोडेट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के को लाया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बेसिकली दो तरह की नई शिक्षा नीति में को दो भागों में देखा जा सकता है। नई शिक्षा नीति का एक भाग वो होगा जिसमें आप क्लास 12th तक की बात करते हैं, मतलब 10+2 या इंटरमीडिएट लेवल की बात करते हैं, हायर सेकेंडरी तक की बात करते हैं। और दूसरा सेगमेंट जो इसका होता है वह हायर एजुकेशन के लिए। दोनों के लिए फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, अलग अलग फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है और दोनों नई शिक्षा नीति के तहत शुरू किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं नई शिक्षा नीति पर चर्चा आज की क्लास में। पहले देख लेते हैं कि नई शिक्षा नीति के क्या क्या फीचर्स हैं। स्लाइड्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों की भाषाएं लिखी हुई हैं, जो आपको अच्छा लगे, आपके लिए सहूलियत हो, आप उसके देख सकते हैं। पहली नई शिक्षा नीति भारत में 21वीं सदी की पहली नई शिक्षा नीति है। जो नई शिक्षा नीति आई है 21वीं सदी की पहली नई शिक्षा नीति है। अगर आपसे पूछा जाए कि नई शिक्षा नीति के बारे में आप क्या जानते हैं या नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करिए, तो आप पॉइंट बाई चर्चा कर सकते हैं कि 34 साल यानी कि पुरानी शिक्षा नीति 1986 वाले को इसने विस्थापित किया है। प्रथम शिक्षा नीति जो भारत में आजादी के बाद आई थी 1968 की आई थी। दूसरी शिक्षा नीति आई 1986 में। 1986 वाले शिक्षा नीति में कुछ 1992 में संशोधन किया गया, कोई नई शिक्षा नीति नहीं थी पर इसमें संशोधन किया गया। मतलब पहली शिक्षा नीति है 1968, दूसरी आई 1986 और उसके बाद से जो शिक्षा नीति चली आ रही थी वो अभी तक यही चली आ रही थी। यानी कि इसके ठीक 34 साल बाद, 34 ईयर्स के बाद नई शिक्षा नीति लाई गई।
नई शिक्षा नीति किसके सिफारिशों पर लाएगी? ऑब्वियस ही बात है, आप अगर देखेंगे तो आपसे एक सवाल पे जो आज से 2-3 साल पहले आपसे पूछा गया था एक कमेटी के बारे में, वो कमेटी थी 2005 की नई शिक्षा फ्रेमवर्क की। उसी तरह नई शिक्षा नीति के लिए भी एक कमेटी की स्थापना की गई थी, भारत सरकार ने कमेटी बनाई, उस कमेटी को लीड कर रहे थे के कस्तूरी रंगन, ही इज अ प्रोमिनेंट डिप्लोमेट ऑफ इंडिया। के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशें थी जिसके ऊपर नई शिक्षा नीति बेस्ड है, उसके ऊपर आधार इसकी रखी गई है। इसके तहत सबसे पहला काम किया गया एमएचआरडी को आपने शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया। एमएचआरडी मतलब मिनिस्ट्री, इससे पहले जो मंत्रालय था उसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास विभाग, उसका नाम बदल के फिर से कर दिया गया शिक्षा विभाग। आजादी के बाद भी भारत के में इस विभाग का नाम शिक्षा विभाग ही था, नई शिक्षा नीति के तहत ही एमएचआरडी को चेंज करके बना दिया गया शिक्षा विभाग। उसके बाद इसमें एक और चीज किया गया कि अभी तक हम लोग 10+2 प्रोग्राम के तहत पढ़ते हैं, मतलब पहले 10 साल 10th तक के मैट्रिकुलेशन का एग्जाम देते हैं, सेकेंडरी का एग्जाम देते हैं, और उसके बाद फिर 2 साल 10+2 यानी इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी की बात करते हैं। मतलब सरकार के अधीन हम लोग लगभग 12 साल की पढ़ाई करते हैं, लेकिन नई नीति के तहत 5+3+4 की नीति लाई गई, 5+3+4 की नीति लाई गई है। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि पहले 10+2 तक के बच्चे पढ़ते थे, तो इसमें और अभी जो नई नीति आई है 5+3+3+4 का मतलब क्या है, इन दोनों में क्या फर्क है, थोड़ा सा एक बार देखिए। 10+2 वाले में क्या होता था कि बच्चे का एडमिशन 6 वर्ष से होता था, 6 ईयर से आप क्लास में स्कूल में जाते थे, पर यहां पर क्या होगा कि बच्चों का एडमिशन 3 साल के से ही शुरू हो जाएगा, 3 ईयर्स के बच्चे को ही स्टार्ट पढ़ाई किया जाएगा। अभी भी ये चीज है, लेकिन वो स्कूल के करिकुलम में नहीं आता, एजुकेशन पॉलिसी के करिकुलम में नहीं आता। इसके पहले की जो व्यवस्था होती है, 6 साल के पहले की उम्र की जो व्यवस्था होती है, सरकार आंगनवाड़ी केंद्र में करती है या बालवाड़ी केंद्र जैसे व्यवस्थाएं हैं, इसमें ये काम किया जाता है। इसके ठीक पहले कि आंगनवाड़ी केंद्र में 3 साल के बच्चे को एडमिशन होता है, 6 साल तक वो आंगनवाड़ी में पढ़ता है, 6 साल होने के बाद वो स्कूल में चला जाता है। नई शिक्षा नीति में यही चीज 3 साल से शुरू होगी और वो आंगनबाड़ी का जो पाठ्यक्रम है उसको स्कूल के अंदर जोड़ा जाएगा, मतलब कि 3 साल से बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, आंगनबाड़ी में भी हो सकता है जो पहले की विधि थी, बालबाड़ी के जैसे उपक्रमों में हो सकता है, या स्कूल में भी बच्चे को 3 साल के अंदर ही एडमिशन करवा दिया जाएगा। फिर यहां से 3 साल तक के 3 साल के बाद बच्चा जब एडमिशन हो जाएगा तो अगले 5 साल जो यहां पर 5 लिखा गया है, इस 5 का अगले 5 साल तक के वो बच्चा स्कूल में रहेगा, मतलब कि 3 साल उसका, 3 साल उसका जो प्री स्कूलिंग है, स्कूल पूर्व शिक्षा जिसको कहते हैं, 3 साल की प्री स्कूलिंग स्कूल पूर्व शिक्षा प्लस 2 साल उसका स्कूल में, यानी कि क्लास वन और क्लास टू, यानी कि 3 साल प्री स्कूलिंग स्कूली पूर्व शिक्षा और क्लास 1 क्लास 2 मिलाकर के 5 साल हुए, तो ये 5 साल बच्चा प्रारंभिक रूप से प्रारंभिक शिक्षा के तहत वो पढ़ाई करेगा। उसके बाद का 3 साल क्लास 2 के पढ़ लिया तो क्लास 3, 4 एंड 5, फिर अगला 3 साल क्या होगा 6, 7, 8 और 8 के बाद फिर शुरू होगा 9, 10, 11, 12। तो ये जो 4 लिखा है इस तरह की व्यवस्था की गई, बिल्कुल पुरानी ही तरह की व्यवस्था है, पर उसमें कुछ नए नए चेंजेस लाए गए हैं। क्या चेंजेस आए हैं वो आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। इनको अलग अलग स्टेज बोला जाता है, ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है, ऐसे करके अलग अलग स्टेज बोला गया है। उन सारे स्टेज में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई जो पुरानी शिक्षा नीति से थोड़ा भिन्न है। तो एक बात कह सकते हैं कि आपको पहले सरकार के अंदर 10+2 तक के पढ़ा दिया गया और उसके बाद छोड़ दिया जाता था कि जाइए आप जहां एडमिशन लेना है, जिस यूनिवर्सिटी में लेना है वहां जाकर के एडमिशन लीजिए, आप अपनी पढ़ाई करिए, मतलब आप उसके बाद स्वयं स्वतंत्र होते थे, सरकार के अधीन नहीं होते थे। फिर आपकी इच्छा जैसे पढ़ना, डीम्ड में पढ़ना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, आप पढ़िए। अभी सरकार ने इसमें यह व्यवस्था तो की ही है, कुछ नई चीजें हायर एजुकेशन में भी चेंज किया गया। ये तो वो चीजें हैं 5+3+3+4 वाला जो पैटर्न है, ये स्कूल शिक्षा के लिए मतलब क्लास 12 तक के, हायर एजुकेशन में भी सरकार ने बहुत कुछ बदलाव किए हैं। वो क्या बदलाव है आइए देखते हैं। देखिए नई शिक्षा नीति में क्या हुआ है, क्लास शुरुआत के जो 3 साल है उसको हमने फाउंडेशन बोला है,
फाउंडेशन कोर्स है, मतलब इसमें वो जो स्कूल पूर्व वाली शिक्षा है 3 साल तक के स्कूल पूर्व की शिक्षा है, और उसके बाद वाला क्लास 1 एंड 2 वो वहां पर पढ़ाई करेगा, यानी क्लास उम्र 6 से 8 साल तक उम्र तक के वो बच्चा फाउंडेशन कोर्सेज में होगा, फाउंडेशनल क्लासेज में होगा, यानी कि प्री स्कूलिंग होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेज पे बच्चा पहुंचेगा प्रिपरेटरी स्टेज पे। प्रिपरेटरी स्टेज का मतलब क्लास 3 से क्लास 5 तक के। उसके बाद मिडिल में आ जाएगा, वो मिडिल एजुकेशन में, जिसमें क्लास 6 से क्लास 8 तक के पढ़ना है, और उसके बाद सेकेंडरी को बोला गया है क्लास 9 से क्लास 10। तो अभी आप क्या देख रहे होंगे कि पहले व्यवस्था ये थी कि यहां तक के पार्ट को आप बोलते थे सेकेंडरी एजुकेशन तक के, और उसके बाद वो हायर सेकेंडरी में चला जाता था, जिसको क्लास 10 प्लस 2 बोलते थे या इंटरमीडिएट बोलते थे। अभी क्या व्यवस्था है कि वो चीजें सेकेंडरी के अंदर ही आ गई। पहला अंतर दोनों के बीच। दूसरा अंतर समझिए, यहां पर ये ब्लैक एंड व्हाइट लाइट से नीचे वाली, ब्लैक एंड व्हाइट लाइन से नीचे का भाग दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि प्री स्कूलिंग जो था कुछ लोगों को मिलता था, जिनके लिए व्हाइट लाइन रिप्रेजेंट करता है, कुछ लोगों को वो प्री स्कूलिंग का मौका, कुछ लोगों को प्री स्कूलिंग की सुविधा नहीं मिलती थी, वो है ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट किया गया, मतलब मिक्सअप था। पर यहां पर वो चीज मैंडेटरी हो गई, यहां पर देखा जा रहा है कि सबको वो सुविधा मिलना आवश्यक है सरकार के नई शिक्षा नीति में। तो दो बदलाव हम लोग साफ साफ यहां से इस डायग्राम से समझ सकते हैं। उसके बाद एक एक करके देखना शुरू करते हैं कि फाउंडेशन क्लास में क्या होगा। फाउंडेशन क्लास में क्या होगा कि जैसे देखिए 5 ईयर्स प्रोग्राम है, 3 साल प्ले स्कूल में और 2 साल उसको क्लास 1 और क्लास 2 में रहना है। आप देख रहे होंगे इस तस्वीर में कि एक बच्चे को पकड़ करके लोग, उसके क्लास के और साथी लोग पकड़ करके स्कूल ले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा होगा? कस्तूरी रंगन कमेटी ने साइंटिफिकली ये पाया कि बच्चों के अंदर स्कूल जाने का इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है। बच्चों के अंदर स्कूल जाने का इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि स्कूल की जो परिपाटी है, व्यवस्था है, बड़ा पुराना एब्सोल्यूट टाइप है, जिसमें बैठ करके वो बोर होते हैं, तो बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते, वो इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको पकड़ दकड़ करके ले जाया जाता है स्कूल में। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था झारखंड का, कि एक महिला टीचर थी वो बच्चे को उठा करके जबरदस्ती ले जा रही थी। तो उन व्यवस्थाओं पर कस्तूरी रंगन कमेटी ने वैज्ञानिकता के आधार पर यह पाया कि बच्चों के अंदर ये इंटरेस्ट जागरूक करना पड़ेगा पहले, कि वो स्कूल जाएं। क्यों नहीं बच्चे स्कूल जाते? उनको लगता है स्कूल में जाकर के बैठने से अच्छा है जाकर के खेला कूदा जाए, ऐसे ही कहीं और कुछ छोटे मोटे खेल खेलते रहते हैं जो बचपन में हम आप सब खेलते हैं, इसलिए वो स्कूल नहीं जाते। तो कस्तूरी रंगन कमेटी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की, उन्होंने कहा कि पहले तो 3 साल और 2 साल तक के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा दो। प्ले स्कूल का मतलब ये हुआ कि जिस खेल के चक्कर में वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, अगर उनको पता चले कि स्कूल जाकर के भी वही खेलना है, वहां पर कुछ नए बच्चे और भी मिल जाएंगे, दोस्तों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो आराम से स्कूल जाएंगे। So, पहली व्यवस्था की गई कि बच्चों को प्ले स्कूल में क्लास 3 तक, और फिर 2 साल ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की व्यवस्था की गई स्कूल में, जिसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई परीक्षा नहीं होगी, मतलब बच्चे बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के पढ़ाई करेंगे, उनको कोई मतलब नहीं एग्जाम में पास होना है नहीं पास होना है, वो फिर बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। 3 वर्ष की आयु से इसकी शुरुआत हो जाएगी, और उद्देश्य बच्चों में स्कूल जाने के प्रति रुचि को डेवलप करना, जो कस्तूरी रंगन कमेटी ने साइंटिफिकली ये पाया और उसके आधार पर ये नीति बनाई गई। इसके अपने ड्रॉबैक है, इसके अपने फेलियर्स हो सकते हैं, पर आप देख रहे होंगे कि ये सारे खेल जो हम सब लोग बचपन में खेलते हैं, एक ग्रामीण स्तर का बच्चा इस तरह के खेल जिसको हम सब लोग आपस बचपन में खेल चुके होते हैं, अगर ये सारी व्यवस्थाएं स्कूल में ही दे दी जाए तो बच्चे बड़े आराम से स्कूल में जाएंगे। उसके साथ ही ये देख रहे होंगे कुछ साइंटिफिक जो नए मॉडल हैं, जो वैज्ञानिकता से तार्किकता का विकास करते हैं बच्चों के अंदर, उस तरह के मॉडल को स्कूल में उपलब्ध कराने की बात की गई है। तो ये वीडियो से क्लियर है कि इस स्लाइड से क्लियर है कि बच्चे चाहते क्या है और स्कूल में क्या इंप्रूवमेंट लाने की बात की जा रही है। फिर आते हैं, वो बात थी जब फाउंडेशनल कोर्स की बात कर रहे थे हम लोग, जब बच्चा 6 साल से के आसपास है, 8 साल के बच्चा था, मतलब कि क्लास ग्रेड 1 तक के 3 साल प्ले स्कूल का और क्लास 1 और क्लास 2 के ग्रेड्स वो पास कर चुका है। ये तब का दौर था, इसमें बच्चे के अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप किया गया स्कूल के प्रति, क्लास के प्रति वो इंटरेस्ट डेवलप किया गया। वंस द इंटरेस्ट इज डेवलप्ड,
वंस द थिंग इज हैपेंड, एक बार उसके अंदर रुचि जाग गई, उसको ये पता चल गया कि वो खेल में जाना चाहता है या पढ़ाई में जाना चाहता है, किधर जाना चाहता है, जब ये पता चल जाएगा तो बच्चा उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज में आएगा। प्रिपरेटरी मतलब प्रारंभिक चरण, यहाँ से उसके स्कूली एजुकेशन की शुरुआत होगी प्रारंभिक चरण से। आप देख रहे होंगे कि बच्चे यहाँ पर वो सारे खेल खेल रहे हैं, साथ में एक चीज और दिख रही होगी, पिक्चर्स बहुत कुछ कहते हैं, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर खेल भी खेल रहे हैं पर ये सारे बच्चे यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं, मतलब कि प्रॉपर स्कूलिंग भी शुरू हो गई है और यहाँ पर उनको खेल की भी सुविधा उपलब्ध है। मतलब जो पहले की क्लास में था उसमें थोड़ा सा और स्कूलिंग की व्यवस्था की जाए। क्या क्या होगा, क्लास 3 से 5 तक का ये स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज प्रारंभिक चरण जो है वो कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के चरण को कहेंगे हम लोग प्रिपरेटरी स्टेज या प्रारंभिक चरण। लैंग्वेज जो रखा जाएगा, मदर लैंग्वेज की व्यवस्था की जाएगी। ये एक व्यवस्था की गई है कि क्लास 3 से 5 तक के बच्चों से बातचीत, उससे इंस्ट्रक्शन जो भी देना है वो मदर टंग में होगा, मतलब मातृभाषा में होगी या क्षेत्रीय भाषा में या लोकल भाषा जो भी है उसके आधार पर उससे भाषा होगी, पर ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। देखिए इसके अपने ड्रॉबैक हैं, आजकल की दुनिया में बच्चों को अगर मातृभाषा में या उसमें रखना है तो इसके अपने ड्रॉबैक हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों को इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, अगर बचपन से इंग्लिश में सिखाया जाए तो हो सकता है वो दुनिया में कम्पीट करें। ये रियलिटी है और इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, इसमें कोई भाषाई विभेद की बात नहीं है, ये रियलिटी है जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि इंग्लिश की डिमांड पूरी दुनिया में है। हम कौशल तो विकसित करने की बात कर रहे हैं पर कहीं बच्चे कहीं लैंग्वेज के मामले में पिछड़ ना जाए, इसलिए ये बात की गई कि दिस इज नॉट मैंडेटरी प्रोविजन। कोई स्कूल को बाध्यता नहीं है कि वो रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाए, स्कूल को ये सजेस्ट किया गया है कि कोशिश करिए कि मदर टंग में या नेशनल लैंग्वेज में। ऐसा इसलिए होता है ताकि बच्चे को ये फर्क न पड़े कि वो घर में जिस भाषा में अपने माता पिता से बात कर रहा है उसी भाषा में वो अपने स्कूल के टीचर से बात कर सकता है, इसलिए वो स्कूल जाना। कई बार होता है कि बच्चे अपनी समस्याएं टीचर्स को बता नहीं पाते, अच्छे से बता नहीं पाते, या अपनी जो भी समस्याएं हैं वो कह नहीं पाते, भाषाई बाध्यता आ जाती है। तो ये सजेस्ट किया गया कि मदर टंग में सारी चीजें इंस्ट्रक्शंस हो, और लेकिन ये मैंडेटरी नहीं, अगर स्कूल चाहे तो वो अपना भाषा लगा सकते, उसी चीज को यहाँ पर हिंदी में कल्मिनेट किया गया, लिखा गया। तो ये है प्रिपरेटरी स्टेज। हम लोगों ने पहले फाउंडेशनल स्टेज देखा, फिर ये प्रिपरेटरी स्टेज यानी प्रारंभिक चरण में देखा। इसके बाद इस समय क्या हुआ होगा कि बच्चा, देखिए प्री स्कूलिंग अगर इसको एक बार ध्यान से देखिए तो फाउंडेशन कोर्स में क्या हुआ, प्री स्कूलिंग में बच्चे ने 3 साल में एडमिशन लिया, 3 से 6 साल तक के प्री स्कूलिंग हुई, फिर ग्रेड 1 का 1 साल, फिर ग्रेड 2 का 1 साल, मतलब टोटल 8 साल हो गया था, तब वो आया है प्रिपरेटरी स्टेज में। प्रिपरेटरी स्टेज में क्या है, फिर क्लास 3 से क्लास 5 तक जाना है, यानी कि 8 में फिर क्या हो गया, क्लास 3 प्लस क्लास 4 क्लास 5, यानी कि ये सारे ग्रेड्स पूरा करने के बाद अब बच्चा लगभग 11 साल के आसपास की उम्र में नेक्स्ट स्टेज में उसको भेजा जाएगा, वो स्टेज होगा मिडिल स्टेज। 11वें स्टेज में प्रिपरेटरी के बाद मिडिल स्टेज में वो जाएगा। मिडिल स्टेज में क्या होगा, यानी कि अब जो है बच्चे के अंदर पहले प्रारंभिक स्टेज में एक इंटरेस्ट जागृत किया गया प्ले स्कूल और खेलने की व्यवस्था करके, उसके बाद उसको थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की बात की गई, मदर टंग डाला गया सो दैट कि वो मातृभाषा में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, टीचर से अपने संवाद स्थापित कर सकें, अपनी समस्याओं को बता सकें। उसके अंदर पढ़ाई का इंटरेस्ट जगाया गया और अब थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर पढ़ाई का बर्डन डाला जा रहा है। फिर वो मिडिल स्टेज में जब आ गया, यानी क्लास 6 से क्लास 8 तक, कक्षा 8वीं से कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक वो आ गया, तो अब धीरे धीरे वो बच्चा पढ़ने के स्थिति में आ गया है, उसके अंदर पढ़ाई करने का इंटरेस्ट जग गया होगा। अब धीरे धीरे उसको कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी, मतलब जो साधारण भाषा हिंदी इंग्लिश साइंस सोशल साइंस ये सब तो दिया ही जाता है, उसको अब यहाँ से स्किल डेवलपमेंट फोकस, याद करिए हमने क्या कहा कि इस पूरे एजुकेशन पॉलिसी का फोकस स्किल डेवलपमेंट पे है, तो उसको सबसे पहले कंप्यूटर शिक्षा सिखाया जाएगा, कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत कर दी जाएगी। उसके बाद व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम जैसे बढ़ईगिरी, पाककला, सिलाई इत्यादि, अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट मान लीजिए कि बढ़ईगिरी में है, किसी को कुकिंग में है कि शेफ बनना है, किसी को कुछ और करना है, तो इस तरह के मामलों में उस बच्चे को वहां पर व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी या तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, सिलाई कढ़ाई जैसी चीजें सिखाई जाएंगी, सो दैट कि थोड़ा थोड़ा स्किल डेवलप हो, अगर कहीं कुछ ना हो पाए तो कम से कम इतना स्किल हो कि वो अपना जीवन आराम से काट सके। साथ ही यहाँ पर गणित, विज्ञान, कला और भारतीय भाषा पढ़ने की व्यवस्था की गई। भाषा को लेकर के हमेशा से दिक्कत है,
ये जो भाषा वाला पोर्शन है ना कि क्लास 3 से क्लास 5 में क्या दिक्कत है, अगर आपसे पूछा जाए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या चुनौतियां हैं या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या खामियां हैं या न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति में क्या सुधार किया जा सकता है, इन तीनों के आंसर्स में आप सबसे पहले भाषा को जरूर शामिल करिएगा, क्योंकि भाषा को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन है। कभी किसी को मातृभाषा में पढ़ाने की बात है पर मैंडेटरी नहीं है तो अगेन एक डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। कभी कहा जा रहा है कि भारतीय भाषा में पढ़ाई जाए, अब भारतीय भाषा में साउथ के लोग कहेंगे कि हमें ये भाषा पढ़ना है, कहीं और के लोग कहेंगे कि हिंदी पढ़ना है, कोई कहेंगे कि तमिल पढ़ना है, कोई उड़िया, तमाम भाषाएं हैं तो मातृभाषा पहले ही दे दिया गया तो उड़िया और भारतीय भाषा का मतलब क्या है, इनका भी वेद स्पष्ट नहीं है। तो भाषा को लेकर के नए एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखाई पड़ता है। ओवरऑल इसका फोकस स्किल डेवलपमेंट पर है और इसकी शुरुआत आप देख रहे हैं क्लास 6 से ही शुरू हो गया है, जब बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा और तमाम तकनीकी पाठ्यक्रम जैसे व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी पाठ्यक्रम इत्यादि सिखाने की बात की जा रही है। सो कुल मिलाकर के अब जो बच्चा यहाँ पर लगभग 14 साल का हो चुका होगा और वो मिडिल स्टेज को क्रॉस कर चुका है यानी क्लास 8 तक के पास हो जाएगा, अब उसकी शुरुआत होगी सेकेंडरी लेवल की। सेकेंडरी लेवल मतलब क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12। तो ये सारी चीजें स्कूलिंग में नई एजुकेशन पॉलिसी ने ये चीज शुरू किया। आप देख रहे होंगे इस पिक्चर को अगर ध्यान से देखें तो ये कुछ गवर्नमेंट स्कूल के यूनिफॉर्म पहने बच्चे हैं, एक कंप्यूटर लिए टीचर बैठी हैं और ये टीचर्स इससे कंप्यूटर के बारे में लोगों को एक समझ डेवलप कर रहे हैं कंप्यूटर के बारे में कि कैसे कंप्यूटर से काम करते हैं, क्योंकि आज की दुनिया बिल्कुल ही ग्लोबल दुनिया जो है आईटी और आईसीटी पर आ गया है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ एनी सेक्टर इन द ग्लोबल वर्ल्ड। अगर एजुकेशन की बात करें तो आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि आईसीटी का इस्तेमाल किया जाए। फॉर एग्जाम्पल क्यों कंप्यूटर शिक्षा की जरूरत ज्यादा है, आप साधारण सी बात करिए, आप एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस ऐसी चीजों पर सीखने के लिए अगर बच्चा, इसके लिए लोग अलग से कोर्स करने जाते हैं, डीसीए का कोर्स और क्या क्या कोर्सेज करवाए जाते हैं, अगर वो बच्चे को स्कूल में ही ये शिक्षा दे दी जा रही है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट मिडिल स्टेज कि मिडिल स्टेज में बच्चों के बारे में क्या क्या है एक बार देख लीजिए। क्लास 6 to 8 के स्टेज को मिडिल स्टेज कहते हैं, इसमें कंप्यूटर एजुकेशन, तमाम वोकेशनल एंड ट्रेनिंग की बात की जा रही है और भारतीय भाषाओं की चर्चा की गई। Then the kids will be promoted to secondary level, मतलब उसको क्लास 8 के बाद क्लास 9, क्लास 10 में जाएगा, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टेज यानी माध्यमिक स्तर, इसको कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। इसमें क्या है, इस स्टेज को कहां से, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के स्टेज को कहते हैं हम लोग सेकेंडरी स्टेज। इसमें सेमेस्टर प्रणाली की बात की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सेमेस्टर की बात की जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आमतौर पर यह साइंटिफिकली देखा गया, कस्तूरी रंगन कमेटी ने अध्ययन किया, पाया कि बच्चे कई बार क्या करते हैं कि साल में एक बार फाइनल एग्जाम होना है तो वो पढ़ते नहीं और एग्जाम के एक दो महीने पढ़ना शुरू करते हैं और उससे वो प्रेशर में चले जाते हैं, प्रेशर में न पढ़ाई होती न कुछ होता और कई बार गलत कदम भी उठा लेते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में, अन्यथा उनके डेवलपमेंट पर कहीं ना कहीं एक ब्रेक लग जाता है। सो इस बात को पढ़ते हुए कस्तूरी रंगन कमेटी ने रिकमेंड किया कि नहीं, साल में एक बार एग्जाम नहीं बल्कि साल में 2 फाइनल एग्जाम होंगे, जैसे सेमेस्टर सिस्टम का मतलब लाया जाएगा कि मतलब 6 महीने का एक सेमेस्टर, उस सेमेस्टर को पास करिए, फिर नया सेमेस्टर, ऐसे करके फिर एक क्लास पूरा होगा, फिर अगले क्लास में नया सेमेस्टर, ऐसे करके टोटल सेकेंडरी स्टेज में। इस तरह से आप देखेंगे तो क्लास 9th में 2 सेमेस्टर, क्लास 10th में 2 सेमेस्टर, क्लास 11th में 2 सेमेस्टर और क्लास 12th में 2 सेमेस्टर, यानी कि टोटल 8 सेमेस्टर में उसकी पढ़ाई की जाएगी, जिस और 8 सेमेस्टर में 8 बार फाइनल एग्जाम होगा। तो जो इस तरह की बातें लोगों के मन में चल रही थी कि हम आखिरी बार पढ़ेंगे, मतलब एग्जाम के आखिरी वक्त में पढ़ेंगे, इस तरह की चीजों से निजात पाया जा सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं एक बच्चा है और दूसरी बात इसमें डेवलप करने की यह भी बात की गई है कि इसमें बच्चों के अंदर न्यूज़पेपर्स वगैरह इस तरह की चीजों को पढ़ने की आदत डाली जाएगी कि न्यूज़पेपर्स वगैरह वो पढ़ सकते हैं, इस तरह की आदत डाली जाएगी, आलोचनात्मक सोच का विकास किया जाएगा। सेमेस्टर प्रणाली में क्या क्या होगा, गणित, वाणिज्य, कला जैसी कोई स्ट्रीम नहीं होगी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी स्टेज का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है, देखिए ध्यान से, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे लिखा गया है कि विज्ञान, वाणिज्य, कला आदि जैसी कोई स्ट्रीम नहीं होगी।
अभी तक क्या होता था कि कोई बच्चा जैसे ही क्लास 10th पास किया उसके ऊपर ये चुनौती आ जाती थी कि आप क्या किस में पढ़ोगे, साइंस में पढ़ोगे कि विज्ञान मैथ पढ़ोगे कि मैथ पढ़ोगे कि कॉमर्स में जाओगे कि आर्ट्स पढ़ोगे, साइंस में बायो पढ़ोगे कि मैथ पढ़ोगे, ये तमाम दबाव बच्चों के ऊपर होते थे। अक्सर ये चुनने को लेकर के कन्फ्यूजन होता था। फिर अक्सर ये बच्चे के पास होता था कि आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप कॉमर्स की चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आप आर्ट्स की चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की दिक्कत थी जिसको खत्म कर दिया गया। मतलब ऐसी कोई स्ट्रीम वाली व्यवस्था नहीं होगी, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो मैथ के सब्जेक्ट स्ट्रीम के हैं या फिर आप कॉमर्स के हैं या आर्ट्स के हैं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। मतलब कोई व्यक्ति अगर बायो भी लेकर के पढ़ रहा है और वो चाहता है कि मैं हिस्ट्री लेकर के भी पढ़ाई करूं, मतलब किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट मान लीजिए कि साइंस में भी है और वो चाहता है कि साइंस के साथ मैं हिस्ट्री भी पढ़ूं, तो कोई रोकने वाला नहीं है, वो अपना सब्जेक्ट चूज करके पढ़ाई कर सकता है। कोई स्ट्रीम की व्यवस्था नहीं है, अनेक विषय मल्टीपल विषय लेकर के पढ़ सकता है। मतलब कि अगर मेरा मन मान लीजिए कि बायो भी पढ़ने का है और इसके साथ पॉलिटी पढ़ने का है, तो बिल्कुल दोनों सब्जेक्ट लेकर के कोई बच्चा इसमें पढ़ाई कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, ये एक बहुत अच्छा। अगर एनईपी में सेकेंडरी लेवल के एग्जाम्स में अगर आप हमसे पूछे कि सबसे अच्छी बात क्या है, तो दिस इज वेरी वेरी गुड डेवलपमेंट कि आप कोई स्ट्रीम की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं कला छंद संकाय का हूं कि मैं अलग कॉमर्स संकाय का हूं, वाणिज्य से हूं, ये कोई नहीं कह सकता। आप सारे संकाय एक साथ पढ़ सकते हैं सेमेस्टर सिस्टम में। आलोचनात्मक सोच का विकास किया जाए। आलोचनात्मक सोच का विकास मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि बच्चे के अंदर तमाम तरह के सवालात होते हैं, उसका जवाब वो खुद से डिस्कस कर सके कि कोई चीज फायदेमंद है तो क्यों है, कोई चीज नुकसानदेह है तो क्यों है, अगर ऐसा हो तो कैसा होगा। इस तरह के आलोचनाओं के सोच को डेवलप करना बहुत जरूरी है, तार्किक सोच डेवलप करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कल अगर हम लोग पुराने लेक्चर्स में अगर आप देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने नियोजिता की बात की थी, उसमें एक कौशल तार्किकता भी था। और तार्किकता कैसे डेवलप होगा? जब आपकी सोच में क्रिटिकल थिंकिंग हो, आलोचनात्मक सोच का विकास हो, तार्किकता। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इसमें बच्चे न्यूज़पेपर के साथ, दुनिया के साथ जुड़े हैं और वो लगातार अपने टीचर से सवाल कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर में ऐसा है, किताब में ऐसा है, तो उसका क्या डिफरेंस। इस तरह के सवाल लगातार इस पिक्चर में रेप्लीकेट हो रहा है। तो इसमें आलोचनात्मक सोच की बात की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये बात है कि इसमें पाठ्यक्रम में विदेशी भाषा रखी जाएगी। मान लीजिए कि किसी का मन होगा नहीं मुझे फ्रेंच भी सीखना है, किसी बच्चे को अगर मान लीजिए कि मैकेनिकल में बहुत इंटरेस्ट है कि वो गाड़ियों में इंटरेस्ट ले रहा है, हवाई जहाज में इंटरेस्ट ले रहा है, तो ऐसे लोगों को अगर वो चाहता है कि मैं वापस मैं विदेश जाऊं तो वो जर्मन ले सकता है क्योंकि जर्मनी इन चीज़ों का हब है, तो वो जर्मन भाषा सीख सकता है। तो ऐसे तमाम पाठ्यक्रम विदेशी भाषाओं की, मतलब जो चीज़ें अभी तक सरकारी स्कूलों में उपलब्ध नहीं थे, ये तमाम चीज़ें रिफॉर्म करने की बात इस नई शिक्षा नीति में की गई। तो नई शिक्षा नीति में देखिए चार स्टेज हैं, चार स्टेज को एक बार समराइज कर लीजिए। फाउंडेशनल स्टेज में क्या है कि बच्चे को प्री स्कूलिंग के साथ साथ ग्रेड वन और ग्रेड टू में पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा और खेलने के लिए भेजा जाएगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। उसका मेन पर्पस इंटरेस्ट, बच्चों के अंदर स्कूल जाने का इंटरेस्ट पैदा करना। फिर हमने देखा कि उसके बाद प्राइमरी स्टेज में क्या है, क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक के, उसमें बच्चों के अंदर को एक्टिविटी भी कराई जाएगी और पढ़ाई भी करवाना है, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी जागरूक किया जाएगा और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी होगी। फिर हमने देखा कि उसके बाद क्लास 6 से क्लास 8 तक के, उसमें कंप्यूटर एजुकेशन डाला जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग डाली जाएगी, टेक्निकल चीज़ें, बढ़ईगिरी, कुक की काम, ये सारा सिखाया जा सकता है बच्चों को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में ये सेमेस्टर वाइज होगा, जो सेकेंडरी स्टेज है सेमेस्टर सिस्टम होगा, कोई स्ट्रीम तक की तरह कोई चीज़ नहीं होगी, मल्टीपल सब्जेक्ट्स ले सकते हैं आप, बहुत सारे जैसे साइंस, हिस्ट्री, फ्रेंच ले सकते हैं, विदेशी भाषा इसमें शामिल हो सकता है। तो सेकेंडरी स्टेज में कुछ नए और बड़े महत्वपूर्ण चेंजेज हुए हैं, आप इसका ध्यान रखेंगे नई शिक्षा नीति के आंसर्स को लिखते समय। ये इतनी बातें हुई कि स्कूल एजुकेशन में क्या परिवर्तन किया जाएगा, मतलब क्लास 2-12 लेवल तक क्या परिवर्तन किया जाएगा। अब देखते हैं नई शिक्षा नीति हायर एजुकेशन के लिए क्या कहती है, हायर एजुकेशन के लिए क्या कहती है, मतलब उच्च और उच्चतम शिक्षा के लिए इसमें क्या बात की गई है। उच्च और उच्चतम शिक्षा नीति में अभी तक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीएससी कर रहा है या बीए कर रहा है, तो वो उसको बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर,
जब तक ये तीनों एग्जाम पास नहीं करेगा तब तक उसको माना जाएगा कि उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब उसको बैचलर के लिए ग्रेजुएटेड नहीं माना जाएगा, उसको ग्रेजुएटेड नहीं माना जाएगा, उसको माना जाएगा कि जब तक ये तीनों एग्जाम क्लियर नहीं कर लिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा हो कि उसने पहला एग्जाम क्लियर कर लिया, फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, पर किसी कारण बस कुछ मजबूरी में या कुछ ऐसी स्थिति आ गई, विपरीत परिस्थितियां आ गई, तो फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ दिया पढ़ाई, तो उसको अगर फिर से एडमिशन लेना है तो फिर से एडमिशन लेने के वापस उसको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना पड़ता पुराने एजुकेशन सिस्टम में। नए एजुकेशन सिस्टम ने इसको पहचाना, नए एजुकेशन सिस्टम ने ये खामी इसको दूर की, उसने नए एजुकेशन सिस्टम के अनुसार अब जो बैचलर है वो टोटल 4 साल का होगा। पहले कितने साल का माना जा रहा था? 1, 2 और 3। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज वगैरह में 4 साल के बैचलर की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है, लेकिन नए एजुकेशन में ये पैन इंडिया पूरे भारत में इसको लागू करने की बात की गई है। 4 साल के टोटल एजुकेशन में क्या होगा? फर्स्ट ईयर में मान लीजिए फर्स्ट ईयर पढ़ाई का एग्जाम दिया, उसको फिर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसको कहा जाएगा कि सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट कर लिया है, सर्टिफिकेट कोर्स पूरा कर लिया। फिर अगर वो सेकेंड ईयर द्वितीय साल में जाता है और उसकी परीक्षा पास कर लिया तो उसको डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर थर्ड ईयर में पूरा कर लिया तो डिग्री यानी एलिजिबिलिटी ऑफ द जॉब और कॉम्पिटिशन, कि अगर किसी जॉब के लिए जाना है जो बैचलर लेवल पर है या किसी कॉम्पिटिशन में की तैयारी करनी है जो बैचलर लेवल पर दिया जाता है, ग्रेजुएशन के लेवल पर दिया जाता है, तो वो थर्ड ईयर तक के पढ़ना पड़ेगा। इनकेस पहले वाले में फिर से ध्यान रखिए, पहले वाले में क्या था कि अगर फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ाई करके छोड़ दिया और वापस 4 साल बाद शुरू करना चाहते हो तो फिर से फर्स्ट ईयर में आना पड़ेगा। पर नई शिक्षा नीति के तहत अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट ईयर का कोर्स कंप्लीट कर लिया और किसी मजबूरी बस आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया, 4 साल बाद उसकी स्थिति ऐसी हुई कि वो आगे पढ़ाई करना चाहता है, तो वो वापस जा करके फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं लेगा बल्कि वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो 3 साल तक के कोर्स को बोला जाएगा कि डिग्री कोर्स उसकी कंप्लीट हो गई, नाउ ही इज एलिजिबल फॉर द जॉब एंड कॉम्पिटिशन, कि अगर वो किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहता है या किसी नौकरी के लिए एप्लीकेशन देना चाहता है तो थर्ड ईयर की डिग्री लेनी पड़ेगी। पर हर साल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हर साल उसको एक एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो ये इंश्योर करेगा कि अगर वो दोबारा से कभी भविष्य में पढ़ना चाहता है, री एंट्री लेना चाहता है, तो उसकी उपलब्धता हो, ताकि वो फर्स्ट ईयर पढ़ चुका है तो सेकेंड ईयर में एडमिशन ले, सेकेंड ईयर में पढ़ चुका था तो थर्ड ईयर में एडमिशन ले। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो डिग्री के बाद एलिजिबिलिटी ऑफ जॉब या कंपटीशन छोड़ करके वो जाना चाहेंगे रिसर्च सेक्टर में, वो चाहते हैं कि हमें रिसर्च करना हो तो रिसर्च सेक्टर में जाना है तो उनको फिर 4 साल के कंप्लीशन चाहिए, बैचलर उनको 4 साल का। ये इसलिए कि भारत R&D पर बहुत आगे जाना चाहता है, भारत कोशिश कर रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में भारत अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सो इसकी बुनियाद ग्रेजुएशन लेवल पर ही डाल दिया जाएगा कि जिनको रिसर्च में जाना है वो पहले ही तय कर लें और वो 4 साल का बैचलर करें, 4 साल का बैचलर करके ग्रेजुएशन में आए। उसके बाद उस ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद व्यक्ति को मान लीजिए मास्टर्स करना है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होगा कि अगर किसी कोई व्यक्ति ने थर्ड ईयर के बाद सीधे पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो उसको 2 साल का यहां पर कोर्स मिलेगा, मतलब उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होगा क्योंकि उसने थर्ड ईयर में ही पढ़ करके छोड़ दिया था। अगर कोई व्यक्ति फोर्थ ईयर के बाद ग्रेजुएशन में जाना चाहता है तो उसके लिए जो कोर्स उपलब्ध होगा वो 1 साल में ही वो मास्टर्स कर सकता है, मतलब 1 साल में ही उसका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो सकता है। क्यों? क्योंकि टोटल ध्यान से देखिए, अभी तक जो नई पुरानी शिक्षा नीति के तहत क्या हो रहा था कि पहले आप 3 साल का बैचलर करेंगे, BA BSc जो भी कर रहे होंगे, BCom जो भी 3 साल का BA करेंगे, फिर उसके बाद 2 साल का MA करते थे, तो अभी भी कितना लगता था? 5 साल। नई शिक्षा नीति में क्या हुआ? देखिए, ओल्ड सिस्टम जो हमारा है, पुराना सिस्टम है और न्यू सिस्टम में क्या हुआ कि आपने 3 साल का बैचलर किया, ग्रेजुएशन किया 3 साल का, और उसके बाद फिर 2 साल का मास्टर्स करते हैं। ठीक है, 3 साल का बैचलर फिर 2 साल का ग्रेजुएशन कहते हैं। नई शिक्षा नीति में दोनों ऑप्शन है, नई शिक्षा नीति में दोनों ऑप्शन ये है कि नई शिक्षा नीति में दोनों ऑप्शन ये है कि आप यहां पर 3 साल का भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं और 4 साल का ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक है, 4 साल वाला ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जिसमें कौन करेगा ये?
पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा है कि जिसको रिसर्च सेक्टर में जाना हो वो करेगा 4 साल का ग्रेजुएशन, जिसको अगर जॉब या कंपटीशन टाइप चीजें देना हो वो 3 साल का ग्रेजुएशन करके छोड़ देगा। पर कोई जरूरी थोड़ी है कि ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी लगी जाएगी, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में क्वालिफाई कर ही लेंगे। मान लीजिए कि वो नहीं हुआ, तो अब इसको अगर मास्टर्स करने का मन होगा और इसको तो रिसर्च किया है, इसको मास्टर्स सेक्टर में जाना ही है, तो अब जो मास्टर्स नए एजुकेशन पॉलिसी में होगा वो दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा। इस भाई साहब को, ये जिन्होंने जॉब के लिए छोड़ दिया था बीच में, इनको मास्टर्स में 2 साल लगेंगे जबकि इसको मास्टर्स में 1 साल ही लगेगा। तो अब जरा जोड़ करके देखिए, 4 और 1 5, 3 और 2 5, और यहां पे कितना लग रहा था, 3 और 2 5। कहने का मतलब ये है कि पुराने और नए पैटर्न में ईयर्स उतने ही लग रहे हैं, पर बदल दिया गया पैटर्न, इसको मतलब और साइंटिफिक बनाया गया है, वैज्ञानिकता का इसमें समावेश किया गया है। ठीक है, तो ये जो शिक्षा नीति की जो पूरा फ्रेमवर्क है किस तरह से शिक्षा नीति बनाई गई कि 5+3+3+4 ये पैटर्न जो लाया गया उसका क्या मतलब है, हायर एजुकेशन में क्या बदलाव लाया गया और हायर एजुकेशन और हाई एजुकेशन में क्या बदलाव लाया गया उसकी चर्चा हम लोगों ने की। 5+4+3+3+4 की बात की गई, उसकी चर्चा हम लोगों ने की। मतलब कि कुल मिलाकर के साल उतने ही लग रहे हैं, पर थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से इसको स्ट्रक्चर किया गया है, बनाया गया है नई शिक्षा नीति को, जो कि 1986 का शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा नीति को रिप्लेस कर रहा था। अब एक बार ये बताइए कि किसकी शिक्षा नीति, इस शिक्षा नीति किसकी सिफारिशों में, कौन से वो व्यक्ति हैं जिनकी सिफारिशें इस शिक्षा नीति में शामिल की गई या किनके रिकमेंडेशन पर, सिफारिशों पर नई शिक्षा नीति को बनाया गया है, आप ये आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं की हाइलाइट्स ऑफ न्यू एनईपी 20, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्या क्या मुख्य बिंदु हैं इसकी चर्चा करें। आपसे पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करिए, उसके मुख्य बिंदुओं का वर्णन करिए, क्या क्या हाइलाइट्स हैं। तो हमने देखा कि इसके क्या क्या पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, तो सार्वभौमिक पहुंच होना जरूरी है सुनिश्चित, मतलब यूनिवर्सल पहुंच होना चाहिए, हर किसी के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई, एजुकेशन फॉर ऑल की बात की गई है, मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल के लिए नहीं या बच्चों के लिए नहीं बल्कि प्रौढ़ शिक्षा, महिला शिक्षा, कैदियों के लिए शिक्षा, जो जेल में बंद लोग हैं उनके लिए शिक्षा, हर किसी की व्यवस्था की गई है। सो सार्वभौमिक का मतलब यह है कि एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए, और एजुकेशन फॉर ऑल का मतलब ये हुआ कि हर वो व्यक्ति जो समाज में रहता है, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का हो, किसी भी परिदृश्य में रह रहा हो, साधारण परिदृश्य में रह रहा हो या जेल में रह रहा हो, कैदी हो, उन सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसमें प्रारंभिक बचपन की देखभाल की बात की गई। पहले हमने बताया कि पुराने शिक्षा नीति में यह था कि आंगनबाड़ी सेपरेटेड एंटिटी चल रही थी, अभी उसको इसके साथ शामिल कर लिया गया, मतलब प्रारंभिक बचपन की देखभाल, प्री स्कूलिंग की बात की गई है, 5+3+3+4+4 सिस्टम की बात की गई। दूसरी बात कि मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का प्राप्त करना, मतलब कि पुराने शिक्षा नीति 34 साल से चली आ रही थी, पर अभी भी देखा गया कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बैंक के अपने कागज भरने नहीं आते। आप जाइए कभी बैंक में, वहां देखेंगे कि आप जैसे ही अपना फॉर्म लेके भरने लगेंगे विड्रॉवल फॉर्म, तब तक 4 लोग और रहेंगे, भैया भर दो, भैया भर दो, क्योंकि वो उनके पास वो भरने की अभी तक वो क्षमता डेवलप नहीं हुई है। बहुत तो लोग ऐसे हैं जो अभी तक अपना साइन नहीं कर पाते हैं, साइन नहीं कर पाएंगे तो बैंक खाता नहीं होगा, अब बैंक खाते में दिक्कत आएगी, उसमें हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, और अगर वैसी प्रॉब्लम आती है तो सरकार जो लगातार सुविधाएं दे रही है कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, उस तरह की चीजें नहीं आएंगी, तो मतलब उन लोगों को भी साक्षर बनाना, उन लोगों को भी संख्यात्मकता का, बैंकिंग से कम जुड़ी चीजों को वो ज्ञान हो, इस तरह की बातें की जाएंगी। कैसे किया जाएगा, तो इसके द्वारा राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा, और उससे किया जाएगा। फिर है बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति, मैं फिर बोल रहा हूं कि यहां पर पढ़ रहे हम लोग इसके मुख्य उद्देश्य में कि मल्टी लैंग्वेजम की बात की जा रही है, बहुत सारी भाषाएं सिखाने की बात की जा रही है, पर अल्टीमेटली यही इसकी प्रॉब्लम भी है कि बहुत ज्यादा भाषाओं की बात कर रहा है जबकि इसमें इंग्लिश की बात नहीं। इवन इसमें यह भी किया जाता है कि संस्कृत को शामिल करिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू संस्कृत लवर्स, जितने लोग हैं, संस्कृत एक बहुत पुरानी भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है, सीखना चाहिए, पर क्या वो आज के जमाने में क्या संस्कृत सीख करके उस तरह से आपको बहुत ज्यादा स्कोप है जितना अन्य भाषाओं में या इंग्लिश सीखने वाले में। बात करें मदर टंग की, लोकल टंग की, इन सब की साधारण भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं सिखाई या संस्कृत पर जोर डालिए, इससे बेहतर होता है कि शायद इन भाषाओं के साथ साथ
इंग्लिश को भी मैंडेटरी करके पढ़ाया जाता तो शायद ज्यादा फायदा होता। तो जो मल्टी लैंग्वेज हम की बात कर रहे हैं, पावर ऑफ लैंग्वेज की बात करें, उसमें कहीं ना कहीं एक कमी भी है और यही इसकी अच्छाई भी है। सबसे इंपॉर्टेंट नई एजुकेशन पॉलिसी की जो बात है वो ये कि रोबस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात की जाएगी। सिर्फ बच्चों के लिए शिक्षा प्रणाली नहीं है कि बच्चे पढ़ें, ये शिक्षा प्रणाली उन बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देने की बात कर रहा है, उनको भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें भारत का सहयोग बहुत सारी संस्थाएं कर रही है, यूनेस्को के साथ मिलकर के भारत इसमें कोऑपरेट कर रहा है। आप जानते होंगे यूनेस्को के बारे में, यूनाइटेड नेशन की एक इकोसॉक के अंदर एजेंसी है जो एजुकेशन और साइंटिफिक कल्चर से डील करता है। यूएनडीपी इसके साथ भारत के साथ काम कर रहा है, इसमें डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर शिक्षकों को ट्रेन किया जाएगा। जब तक अच्छे शिक्षक ट्रेंड नहीं होंगे तब तक अच्छे बच्चे ट्रेन नहीं हो पाएंगे, और जब अच्छे बच्चे ट्रेन नहीं होंगे तो मानव श्रम बल का कौशल विकास कैसे होगा। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मजबूत शिक्षक भर्ती और कैरियर पथ की बात की गई, उनके प्रशिक्षण की बात की गई है, मानक निर्धारण करना और मान्यताएं प्रदान करना। कि आजकल देखा गया है कई कॉलेज ऐसे हैं जिनके पास ना कोई बिल्डिंग है ना कुछ है, दो कमरे का कॉलेज है और रजिस्ट्रेशन उसमें बच्चों का 500 बच्चे उस कॉलेज से पास होकर के जा रहे हैं, तो कहाँ क्लासरूम है नहीं, तो उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा। तो इन चीजों से बचने के लिए मानक निर्धारण करने और मान्यताएं देने की जो प्रणाली है उसको और रोबस्ट करने की बात की गई है। तो ये पूरी बातें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, नई शिक्षा नीति में क्या क्या किया गया है कि कोर्सेज को रीस्ट्रक्चर किया गया, रीस्ट्रक्चर करने के बाद उन कोर्सेज में शिक्षकों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, उनके स्टैंडर्ड ठीक करने की बात की जा रही है, ये तमाम चीजें नई एजुकेशन पॉलिसी में किया जा रहा है। हमने देखा कि अब क्यों ये कर रहे हैं, की हाइलाइट्स क्या क्या है इसके, देखिए क्या क्या चाहते हैं हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करके। तो उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER जो 2018 में 26.3% है, इसको बढ़ाकर 2035 में 50% तक के किए जाने की बात है। सबसे पहले तो समझिए कि GER क्या है। GER है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ये देखा गया कि बच्चे अभी तक पुराने एजुकेशन सिस्टम में क्या होता था कि 10th तक के पास किया और पढ़ाई छोड़ दी। मतलब मान लो कि 100 बच्चे 10th में आ रहे हैं तो 12th में उनका एनरोलमेंट खत्म हो जा रहा है, 12th में ये संख्या गिर जा रही है, 12th में संख्या डाउन हो जा रही है, गिर जा रही है। फिर देखा गया कि 12th से जो लोग पढ़ करके जा रहे हैं वो तो और कम हो जा रहे हैं, ग्रेजुएशन में और कम लोग एडमिशन ले रहे हैं, एनरोलमेंट बहुत कम हो रहा है, ये और गिर जा रहा है। समझ रहे हैं? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि नहीं, हमने कल पुराने लेक्चर्स में ये देखा था कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 स्किल की बात, उन स्किल्स में कितने प्रतिशत लोग हैं, 30% लोग लेवल 1 में आते हैं, 56% लोग लेवल 2 में आते हैं, 11% लोग लेवल 3 के स्किल्स में आते हैं, 3% लोग लेवल 4 में आते हैं। कौशल विकास का क्या पर्पस है कि उन लेवल्स 1 से लेवल 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में लोगों की संख्या को परिवर्तित किया जाए या बढ़ाया जाए। वो कब होगा? जब लोग बच्चे क्लास 10th से 12th में ज्यादा एडमिशन ले, 12th से ग्रेजुएशन में ज्यादा एडमिशन ले। लेकिन यह देखा गया कि यह रेट जो इनरोलमेंट की दर है, जो बच्चों का नामांकन की दर है अगले क्लास में, वो लगातार गिरता जा रहा है। नामांकन दर में यह गिरावट दर्ज की गई, किसमें? इसको कहते हैं GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेट, कि लगातार नामांकन दर में गिरावट की बात की गई है। नामांकन दर में लगातार गिरावट हो रही है। यही उस पुरानी स्लाइड्स में फिर से चले तो देखिए क्या लिखा है कि 2018 में नामांकन दर 26.3% है, जिसको बढ़ा करके 2035 में 50% तक के करने की बात है। अर्थात 2018 के आंकड़ों के अनुसार, 2018 के आंकड़ों के अनुसार अगर 12th क्लास में 100 बच्चे हैं, आप ध्यान से देखिए इसको, अगर 12th क्लास में 100 बच्चे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पे कितने बच्चे जा रहे हैं? मात्र 26.3 बच्चे। आप देख रहे कितना भारी अंतर है, बहुत भारी अंतर है, लगभग 73% लोग, 73% का डाउन है। नई शिक्षा नीति की कोशिश ये है, नई शिक्षा नीति की कोशिश ये है कि इसको बढ़ा करके, इसको बढ़ा करके कम से कम 50 तक लाया जाए। कब? 2035 में। किसको? GER को।
कि जीईआर में जो गिरावट है 2018 में जीईआर अगर 100 बच्चे क्लास 12th में आ रहे हैं तो वो 26.3 बच्चे ही हाई एजुकेशन में जा रहे हैं। सरकार का ये प्रावधान बनाने की कोशिश की गई है नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत कि 2035 तक आते आते ये इनरोलमेंट रेट जो 26.3 है वो बढ़ करके 50 तक हो जाए। इसके अलावा समग्र बहुविषयक प्रणाली की बात की गई, हमने पढ़ा है बहुविषयक प्रणाली के बारे में कि अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप ही पढ़ रहे हैं और आपको हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तब आप बाउंड होते हैं, अभी न्यू ओल्ड वाले में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको हिस्ट्री के साथ साथ मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा हो उसको मन हो कि नहीं मैं साइंस पढ़ूं, मैथ्स भी पढ़ लूं और इसके साथ एक हिस्ट्री भी रख लूं मैं, और चूंकि मैथ पढ़ ही रहा हूं तो स्टैट्स भी पढ़ लेता हूं और मेरा मन ज्योग्राफी पढ़ने का है। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि उच्च शिक्षा में आप ऐसा नहीं कर सकते, पर नए एजुकेशन पॉलिसी में अगर मन है आपका तो आप ये सारे सब्जेक्ट्स लेकर के एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो ये बात कही गई है कि बहुविषयक प्रणाली का अर्थ ये है। फिर विनिमय की बात की गई है उच्च शिक्षा के आयोग के अंदर HCEI को चिकित्सा और कानून, एक नया सिस्टम बनाया जाएगा HCEI। HCEI क्या है? भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। बेसिकली जो काम अभी अलग अलग कर रहे हैं UGC करता है, AICTE करता है, उसी तरह की एक संस्था HCEI बनाया जाएगा जो भारतीय उच्च और उच्चतम शिक्षा को ये कंट्रोल करेगा, उसको रेगुलेट करेगा, उसके नियम बनाएगा, उसके प्रावधान करेगा। पर इसमें कुछ चीजों को छोड़ दिया गया है, मेडिकल एजुकेशन को छोड़ दिया गया है और लॉ के एजुकेशन को बाहर रखा गया है HECI के दायरे से। इसके चार क्रम होंगे, आप देख सकते हैं कि इसमें चार क्रम, एक नियामक पद्धति होगी जो रेगुलेट करेगी, दूसरी जो सामान्य शिक्षा में परिषद होगी जो मानक सेट करेगी यानी स्टैंडर्ड यानी पाठ्यक्रम की बात कर रहा होगा, तीसरा वित्त पोषण करेगी मतलब फाइनेंस के कितना ग्रांट देना है, और चौथा राष्ट्रीय प्रत्यापन परिषद होगी जो मान्यता देने के लिए जो काम NAAC का काम होता है। NAAC के बारे में आप जानते होंगे, NAAC एक ऐसी संस्था है जो यूनिवर्सिटीज को रेटिंग देती है कि यूनिवर्सिटी ए रेटिंग का है, ए प्लस रेटिंग का है, बी प्लस रेटिंग का है, उसके अनुसार से उस यूनिवर्सिटी को UGC फंड भी देती है। तो उस तरह से NAAC का काम करेगी ये HECI। इसके बारे में पूछे जाने के पूरे संभावनाएं हैं कि HECI का काम क्या है, है क्या और क्या करता है, ये पूछे जाने के पूरे पूरे चांस है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इतनी चीजें लाई गई हैं, पर इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। क्या क्या प्रॉब्लम है कि इंटीग्रेशन नहीं है, एकीकरण का अभाव है। ऐसा नहीं है कि एकीकरण का अभाव का मतलब ये हुआ कि कुछ यूनिवर्सिटीज अलग अलग, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी अलग काम करती हैं, राज्य यूनिवर्सिटी अलग काम करती हैं, तो उन सब के ऊपर इसको कैसे लागू किया जाएगा ये नहीं पता चल पा रहा है। भाषा की बाधा है जो हम लोगों ने बहुत चर्चा की कि भाषा की बाधा है। भाषा को लेकर के भारत में ऐसे भी बड़े संवेदनशील मामले होते हैं, आप देखे होंगे कि राज्यों का पुनर्गठन ही भाषा के आधार पर हुआ है। अभी हाल में दक्षिण के राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि उन पर हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। तो भाषा को लेकर के इस देश में पहले ही संवेदनशीलता ज्यादा है और नए एजुकेशन पॉलिसी में भाषा वाले मुद्दे को थोड़ा अच्छे से एड्रेस करने की आवश्यकता थी जिसकी कमी दिखाई पड़ती है। तो भाषा की बाधा है। नेक्स्ट है बहुभाषावाद। बहुभाषावाद भी वही बात है जो ऊपर हमने चर्चा की, धन की कमी है। नई शिक्षा नीति की अगर कमी लिखनी हो तो आप सबसे पहले लिखिए कि बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी है, बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है ये, और इतनी महत्वाकांक्षा है कि जिसको पूरा कर पाना शायद अभी के हालात के हिसाब से बहुत मुश्किल है। जैसे कि भारत का जो HRD है, शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय को कुल बजट का अभी मात्र दिया जाता है कितना, शिक्षा मंत्रालय को कुल बजट का मात्र दिया जाता है 3.1% बजट का, GDP का 3.1% मिलता है बजट। इसमें कहा गया है कि नए नियमों के अनुसार उसको 6% तक के बजट देने की बात है, जो कि अभी फिलहाल दिखता नहीं है कि भारत 6% जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने के स्थिति में है। दूसरा, मैंने कहा कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, ऐसा लगता है कि सारे निर्णय बहुत जल्दीबाजी में ले लिए गए। जैसे देखिए, कहा जा रहा है कि बच्चों को प्ले स्कूल दिया जाएगा। भारत में कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर मूलभूत स्ट्रक्चर ही नहीं, ढांचा ही नहीं है, शौचालय की कमी है, प्ले ग्राउंड नहीं है, पेड़ की नहीं है,
बच्चों के लिए छोटा सा जगह भी नहीं है, कई कई स्कूलों में छत से बारिश के पानी टपक रहे हैं, तो पहले मूलभूत ढांचा ही नहीं दिया गया है, और कहां से आप उसमें कई ग्रामीण स्कूलों में आप प्ले स्कूल की व्यवस्था कर देंगे, उस कंप्यूटर एजुकेशन की व्यवस्था कर देंगे, आप कैसे कर सकते हैं। तो ये चीजें भी है कि मूव इन हैसल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दीबाजी में फैसला लिया गया है। ठीक है, फिर इसकी अपनी सीमाएं हैं, संस्थागत सीमाएं हैं कि एक नीति के तरह समरूपता पैदा होने की वो दिक्कत है। आप जो पुराने एजुकेशन सिस्टम में आप देख रहे थे कि अक्सर ये चर्चा चलती थी कि जो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े लोग हैं और जो सरकारी स्कूल से पढ़े लोग हैं उनके बीच समरूपता नहीं होती, उनके बीच बहुत डिफरेंस होता है स्किल्स का, कॉन्फिडेंस का, इंग्लिश लैंग्वेज का, तमाम डिफरेंसेज, उस इसमें भी उसको एड्रेस करने की बात नहीं की गई। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो HECI की बात की गई थी उसके साथ साथ UGC की क्या भूमिका होगी, AICTE की क्या भूमिका होगी, इस पर कोई चर्चा नहीं की गई। ये मौन है नई एजुकेशन पॉलिसी इन दोनों संस्थाओं की भूमिकाओं पर, जबकि एक नई संस्था HECI की स्थापना करने की बात की जा रही है। तो ये तमाम इश्यूज हैं नए एजुकेशन पॉलिसी के साथ। अगर पूछा जाए आपसे कि नई शिक्षा नीति की खामियों के बारे में, चुनौतियों के बारे में जिक्र करें, तो आप इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हुए अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टीचर्स ट्रेनिंग्स के लिए बहुत व्यवस्था की गई है, टीचर्स के लिए नई शिक्षा मंत्रालय के मंत्री के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हुई हैं कि पाठ्यक्रम ढांचा वगैरह बदला जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। अभी BEd को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली फैसला आया है कि DLed वर्सेज BEd का फैसला, आप जाकर के उसको करंट अफेयर्स में खोज सकते हैं कि DLed वर्सेज BEd का फैसला लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिया है कि किस तरह के लोग एजुकेशन में पढ़ाएंगे। अच्छी बात यह है कि घटिया स्तर के शिक्षा संस्थानों TI टीचर एजुकेशन जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात आई है। दूसरा, पारदर्शी माध्यमों से शिक्षा की जाएगी। तो शिक्षकों के ऊपर बहुत सारी बात की गई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें शिक्षकों को लेकर के बात आई है कि शिक्षकों के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तैयार किया जाएगा। अभी तक देख रहे थे कि शिक्षकों के लिए कोई मानक तैयार नहीं किया गया था, कोई स्टैंडर्ड नहीं था। एक एग्जाम हुआ, आपने उसको क्वालिफाई किया, उसके बाद आप उसके लिए एलिजिबल बन जाते थे। पर अब उसके लिए और भी मानक स्थापित किए जाएंगे कि शिक्षकों को कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, कैसे स्कूल में आना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नई शिक्षा नीति के बारे में हमने देखा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या सुधार किए गए हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, हर स्टेज पे क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं, और पुराने शिक्षा नीति से कैसे ये बदला हुआ है। लास्ट टॉपिक हम लोग आज का डिस्कस कर लेते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसलिए ये चर्चा करना जरूरी है कि अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे तो पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए उसका एक ढांचा कैसा होगा, ये तैयार करना बहुत जरूरी है। उसके क्रियान्वयन के लिए हमें ढांचा की आवश्यकता होगी। उस ढांचे को कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, NCF। देखिए, इससे एक सवाल आया था, आपसे शायद देवराज कमेटी पूछी गई थी, वो आपसे सवाल पूछा गया था न्यू करिकुलर फ्रेमवर्क पे। अभी जो नए करिकुलर फ्रेमवर्क है ये किसके आधार पर आएगा, कस्तूरी रंगन कमेटी के सिफारिशों के आधार पर। आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में करिकुलर फ्रेमवर्क के बारे में सब कुछ दिखाया गया है, अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखें। देखिए, यहाँ पर बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग की बात जो हम लोग कर रहे थे कि साइंटिफिक एजुकेशन बनाया जाएगा, बच्चों को यहाँ पर एक टीचर है जो दूरबीन से लेकर के साइंस के बारे में इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। जिन बच्चों को, जो बच्चे बहुत पढ़ने में अच्छे नहीं है, उनको मान लीजिए कि जानवरों से प्यार है या खेल के साथ ज्यादा रहते हैं, उनके लिए खेल की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर वो व्यक्ति जानवरों के साथ एक इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करने की बात की गई। ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से बहुत सक्षम नहीं है, विकलांग है, उनके लिए देखिए गार्डनिंग की व्यवस्था की गई है। तो तमाम चीजें की गई हैं जिसके अंदर ड्राइंग का भी की व्यवस्था की गई, तो उसकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, यानी कि एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करने की बात की गई है, एक ऐसा यहाँ पर ढांचा बनाने की बात की गई है जिसमें बच्चों के अंदर ये तमाम चीजें अपने आप सुधर सके। ठीक है, तो NEP 2020 के अनुवर्ती के रूप में 4 NCF का विकास शुरू किया गया। 4 तरह के NCF बनाए जाएंगे जो अलग अलग, प्राइमरी स्टेज के लिए अलग, मिडिल स्टेज के लिए अलग, सेकेंडरी के लिए अलग, हायर एजुकेशन के लिए अलग, हर किसी के लिए अलग एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है उसका फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। 2022 में लाया और लॉन्च किया जाना था, पर ये बेसिकली 2023 में आया है। अगस्त 2023 में इसकी मीटिंग की शुरुआत हुई है। इसमें वही सारी चीजें की जाएंगी जो पूरा नई शिक्षा नीति के तहत बात कही गई है, उसको कैसे रिकमेंड करना है, इसके लिए एक स्टीयरिंग कमेटी की बात की गई है।
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरह एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी, कौन किसके अंदर में, के कस्तूरी रंगन के अंदर में, जो एनसीएफ को डेवलप करने की बात करी जाएगी कि कैसे कवर करेगा ये तमाम लोगों के लिए, मतलब स्कूली एजुकेशन के लिए फ्रेमवर्क की बात की जाएगी। सो ये है हमारा टॉपिक जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, हमने डिटेल में उसकी चर्चा की। एनसीएफ के बारे में सफिशियंट इतना ही नॉलेज चाहिए आपको कि एनसीएफ है क्या, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए ढांचागत व्यवस्था करने की बात की गई है, एक फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा जिसके तहत ये एजुकेशन पॉलिसी का क्रियान्वयन किया जाएगा, तो एनसीएफ उसके बारे में चर्चा की गई। एक स्लाइड और डिस्कस कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट आज के लिए, कि एक इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ईयर कि दिस इन दिस ईयर मीन्स और द नेक्स्ट ईयर मीन्स IOE will be appearing in your mains. Means, आप एग्जाम में जाएंगे तो शायद IOE टाइप चीजें दिखने को मिले, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, क्योंकि इस पर बहुत चर्चा की गई है, बहुत इस पर बात आजकल चल रही है। नाम से क्लियर होगा कि ऐसे इंस्टीट्यूट जो एमिनेंट होंगे, मतलब जो उच्च शिक्षा स्तर में भी अपना उच्चतम मापदंड रखते होंगे, ऐसे इंस्टीट्यूट्स को इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस कहा जाता है। कि एक योजना है जिसके तहत, मतलब कोई स्कूल, कोई ऐसे इंस्टीट्यूट जो विश्व स्तर के इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, भारत में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट को इस तरह से डेवलप किया जा रहा है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों में से एक हो, जैसे IITs हैं, BHU बनारस है, IISc बैंगलोर है, तो ऐसे तमाम इंस्टीट्यूट्स को स्थापित करने की बात की जा रही है जो विश्व स्तर के होंगे, मतलब भारत अपने उच्चतम शिक्षा को विश्व स्तर के एजुकेशन सिस्टम को लेकर के लाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके तहत इंस्टीट्यूट्स को क्या करना होगा, पहले रिकमेंडेशन अपना एप्लीकेशन देना होगा, फिर एक कमेटी उसको जाकर के वेरीफाई करेगी, उस इंस्टीट्यूट को देखेगी, उसके अंदर देखेगी क्या इसका पढ़ाई का स्टैंडर्ड, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, यहाँ के बच्चे, यहाँ के टीचर, प्रोफेसर, यहाँ का लैब, क्या वो अत्याधुनिक मॉडल का है, क्या वो विश्व स्तरीय है, अगर विश्व स्तरीय है तो फिर उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया जाएगा। तो इससे होगा क्या, इस दर्जा देने से इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को चार बेनिफिट मिलेंगे। एक तो पहला कि वो विदेशों में अपनी शाखा खोल सकते हैं, मतलब कि आप सोचिए, कल्पना करिए, IIT बॉम्बे का कोई शाखा दक्षिण अफ्रीका में खुला हो, हो सकता है कि BHU बनारस की कोई शाखा कहीं न्यूयॉर्क में खुला हो, तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स विदेशों में जाकर के अपनी शिक्षा को, अपने संस्थान खोल सकते हैं। दूसरा फायदा इनको मिलेगा कि विदेशी इंस्टीट्यूट्स के साथ ये कोलैबोरेशन कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं, उनके साथ अपना एक टाई अप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी तक क्या हो रहा था कि बच्चों को, मान लीजिए किसी भारतीय छात्र को ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करना, तो उसको भारत से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। पर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का, अगर मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट ऐसा हो जिसका ऑक्सफोर्ड्स के साथ, मैसाचुसेट्स के साथ, इन सारे दुनिया भर के जाने माने इंस्टीट्यूट्स के साथ अगर उसका टाई अप हो, कोलैबोरेशन हो, तो वो इंस्टीट्यूट ही भारत में आएगा, बच्चे को वहां जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत सोची समझी स्कीम है। भारत में ब्रेन ड्रेन के पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि बच्चे बाहर जाते हैं और वहीं के सिस्टम में रम जाते हैं, वो बाहर भारत वापस नहीं आना चाहते। सरकार चाहती है कि उनको पढ़ाई यहाँ पर वही दिया जाए और वो यहीं रह करके काम करें, तो इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। सो इस पर्पज से इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बनाया जा रहा है कि ये इंस्टीट्यूट्स विश्व स्तरीय होंगे, इनको विदेशी यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप करने का चांस दिया जाएगा, ये अपने ब्रांचेस विदेश में खोल सकते हैं, इनको 1,000 करोड़ का एक्स्ट्रा अनुदान दिया जाएगा अपने आप को डेवलप करने के लिए, 1,000 करोड़ रुपए अलग से दिया जाएगा अपने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने तमाम सिस्टम व्यवस्था को सही करने के लिए। तो ये तमाम चीजें हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के बारे में चर्चा करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को नई नई आजादी दी जाएगी, मतलब कि भारतीय संस्थानों को विश्व स्तरीय संस्थान बनाने के लिए एक प्रयास है सरकार का। इसकी पहली बार चर्चा की गई थी 2016 के केंद्रीय बजट में, जब उस समय भारत के वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उन्होंने ये बात की थी, स्वर्गीय अरुण जेटली ने ये बात की थी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हमें बनाने की जरूरत है। देखिए, भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो अभी तक पहचान किए गए हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU बनारस है, IISc बैंगलोर है, IIT बॉम्बे है, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इसके अलावा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, बिट्स पिलानी, मणिपाल एजुकेशन मणिपाल कर्नाटका, OP जिंदल सोनीपत हरियाणा, एंड शिव नाडर यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। तो ये चार प्राइवेट हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है आपके गवर्नमेंट्स के हैं और 4 यहाँ पर प्राइवेट। तो टोटल भारत में 12 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस के कैटेगरी में आते हैं। तो
तमाम चीजें आज के क्लास में लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, एनसीएफ को और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को। ये तीनों टॉपिक्स इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जाते जाते आपको एक सजेशन है कि आप प्रेरणा स्कूल के बारे में जरूर पढ़िएगा। प्रेरणा स्कूल इस समय बहुत चर्चा में है, जिसको लेकर के करंट अफेयर्स में भी चर्चा है और प्रेरणा स्कूल के बारे में ऐसे सवाल भी पूछे जाने की संभावनाएं बहुत है। प्रेरणा स्कूल है क्या, एक लाइन में मैं आपको ये जवाब दे देता हूं, बाकी आपका काम है, आप इसको रिसर्च करिएगा। प्रेरणा स्कूल बेसिकली नरेंद्र मोदी जिस स्कूल से वडनगर गुजरात में पढ़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस स्कूल को प्रेरणा स्कूल के रूप में डेवलप किया गया है। भारतवर्ष से बच्चों को ऐसा सिलेक्ट किया जाता है, हर हफ्ते वहां पर 20 बच्चे यानी 10 लड़के और 10 लड़कियां उस प्रेरणा स्कूल को विजिट करें, उससे प्रेरणा लें और भारत के लिए अच्छा करने की कोशिश करें। उस स्कूल का मिशन और मकसद ये है। सो आज के लिए इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपको कैसा लगा, आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा। महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अगले लेक्चर हमें प्लान करने में उसी का बहुत मदद मिलती है उन चीजों से। थैंक यू वेरी मच। Thank you.